तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास यूजीसी नेट की है। बेसिकली ये सोशल वर्क का समाज कार्य का प्रश्न पत्र है दिसंबर 2019 का। मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ पार्ट फोर, इसी के पार्ट फोर पर, यानी तीन पार्ट वीडियोस उसकी बनाई जा चुकी है। तो जरा प्रश्न को पढ़कर आप लोगों को जवाब देना है उसके उत्तर। और यहाँ हमारे सामने क्वेश्चन कहाँ तक हम लोगों ने किया था? काफी क्वेश्चन कर डाला, 107 107 कर डाला था। ओके, 107 चलिए 108 क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है कि भागीदारी अवलोकन विधि निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए आदर्शतः उपयुक्त होती है? जनजातीय संस्कृति है, राष्ट्रीय संस्कृति है, निर्जातीय संस्कृति है, वैश्वीकरण की परिघटना है। मैं चाहूंगा कि एक बार इंग्लिश भी देखें आप लोग इस प्रश्न का। ठीक है, देखिए आपको यहां अगर मैं बात करता हूं ऑप्शन में, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशनल मेथड है ना। अब आप देखो, हालांकि इसमें कई पार्ट हैं, पीआरए हैं, एक आरआरए के नाम से भी हम लोग जानते हैं यहां पर इस प्रक्रिया में, परंतु यहां जो प्रश्न बनाया गया है वह पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन मेथड से सवाल बनाए गए हैं। ये बेसिकली क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिभागी अवलोकन पद्धति, पीओ के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पीओ। अब यही आप लोगों को समझना है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर आप लोगों को बताऊंगा भी इसके बारे में थोड़ा सा। ये है क्या, पीओ को हम लोग क्या बोलते हैं? पीओ को हम लोग कहते हैं भागीदारी या प्रतिभागी अवलोकन, प्रतिभागी अवलोकन बोलते हैं इसको। प्रतिभागी अवलोकन एक प्रकार की विधि है, या एक प्रकार का मेथड है, या एक पद्धति है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये जानते हैं ये शोध पद्धति में यूज होता है, ये रिसर्च का पार्ट है एक प्रकार से। अगर मैं आपसे बात करूं तो एक शोध पद्धति है। यहां शोधकर्ता प्रतिभागियों की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में डूबा रहता है। फिर से रिपीट करूंगा, मैं नोट भी कर देता हूं, एक शोध पद्धति है। ठीक है, शोध पद्धति है जहां शोधकर्ता, यानी आप, जहां शोधकर्ता प्रतिभागियों की दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियां होती है उनमें ये डूबा रहता है। ठीक है, दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में, एक्टिविटी में, ठीक है, गतिविधियों में डूबा रहता है। ठीक है, डूबा रहता है, ये इसका मीनिंग है। पहली बात इस चीज को ध्यान रखिए। अब आपके मन में आ रहा है कि सर इसका उद्देश्य क्या हो सकता है भाई, इसका कार्य करने का तरीका या इसका सिस्टम क्या हो सकता है ना। तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, आम तौर पर ये संभावित जो सेटिंग होती है, जो प्रोबेबिलिटी सेटिंग रणनीति होती है, उसकी व्याख्या जो है विस्तृत लेवल पर उसकी एक श्रृंखला बनाता है, एक रिकॉर्ड रखने की बात करता है। ये एक प्रकार से ये रिकॉर्ड रखने की बात करता है, और रिकॉर्ड रखा जाएगा किसमें? तो प्रतिभागी अवलोकन में रखा जाता है, प्रतिभागी अवलोकन में रखा जाता है। आपको बता दूं कि हमें यह देखने और समझने में मदद करता है कि लोग क्या कर रहे हैं, किसकी तुलना में हम लोग क्या कह रहे हैं, उससे संबंधित जो भी प्रतिक्रियाएं संचालित होती है उसी को हम लोग प्रतिभागी अवलोकन का नाम देते हैं, पीओ का नाम हम लोग देते हैं। इतनी बात स्पष्ट है तो एक बार क्लियर करिए, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। बताइए, अब क्लियर करिए एक बार अवलोकन विधि में। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, अवलोकन विधि जो है आंकड़ा, जो डेटा होता है उसको संग्रहित करते है। अब ये डेटा संग्रहित करेगा किनका? किनका? बेसिकली इसमें यूनिट है, घटना है, कॉन्सेप्ट है, व्यक्ति का प्रत्यक्ष रूप से देखने वाली जो प्रक्रिया है वो चीजें इसके अंतर्गत शामिल होती है। काम पर अगर कोई कर्मचारी एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहा है तो उस संबंध में हम क्या करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, और वही निरीक्षण करने वाली प्रक्रिया बेसिकली क्या कहलाती है? भागीदारी अवलोकन कहलाती है। और ये किसके अध्ययन के लिए आदर्श युक्त उपयुक्त माना जाता है? आदर्शा तो एक जनजाति संस्कृति है जो भागीदारी अवलोकन विधि में बहुत फेमस है और काफी ज्यादा इसको उपयुक्त माना जाता है। दूसरा आपका इसमें जो माना जाता है वो निर्जाति संस्कृति है जो काफी ज्यादा
मतलब एक प्रकार से लाभप्रद मानी जाती है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय संस्कृति को एलिमेंट कर दीजिए और वैश्वीकरण की परिघटना को एलिमेंट कर दीजिए, केवल ऑप्शन ए और सी को ढूंढिए, यही ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, तो प्रतिभागी अवलोकन विधि, जिसे नृवंश विज्ञान अनुसंधान के रूप में जाना भी जाता है और नृवंश की एक शाखा मानी जाती है, व्यक्तिगत संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन होता है। तो व्यक्तिगत जब संस्कृति की बात होगी तो जनजाति संस्कृति और नृजाति संस्कृति, ये दो बातें काफी ज्यादा चर्चित मानी जाती हैं इस क्वेश्चन नंबर 108 में। ऑप्शन आप देख सकते हैं, सेकेंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन आपका यहाँ पे सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, एक सवाल और लेंगे, 109 करेंगे। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को इसी तरीके से टिक लगाकर अभी सेंड कर दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य हो सकता है? यहाँ पे आपके तर्क को जानना बहुत ज्यादा अत्यंत आवश्यक है। और प्रश्न हमारे सामने है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया है उसके बारे में हमें बताना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में आप लोग भलीभांति तरीके से परिचित होंगे, 1951 से चला था, 1956 तक चलाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको शुरुआत की थी, जहां पर इन्होंने कृषि बिजली और सिंचाई पर बात की थी। तो कृषि बिजली सिंचाई इस ऑप्शन में दिया ही नहीं है, कहीं है क्या किसी ऑप्शन में? नहीं है। परंतु जब हम बात, लेकिन जब हम बात आधुनिकरण मैंने बोली नहीं रहा हूं। दूसरी बात अगर हम करते हैं, जब तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात हम लोग करते हैं, दूसरी मैंने छोड़ दिया इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है और वो बेसिकली से संबंधित भी नहीं है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम लोग जब बात करते हैं तो हमारे सामने एक शब्द आता है आत्मनिर्भरता की, आत्मनिर्भरता की, जहां पर निष्पक्षता और विकास के साथ साथ जिक्र किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, आधुनिकीकरण को आप हटा दीजिए, पंचवर्षीय योजना में ये बात नहीं है, बल्कि आधुनिकीकरण में अगर हम बात करते हैं तो ये औद्योगिक वाले क्षेत्र को जोड़ने की बात करता है। यह आपकी लास्ट वाली योजना है जो बेसिकली अब नीति और नीति योजना के अंतर्गत शामिल हो गई, बट इसको हम हटा देंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो समानता शब्द को लेकर, समानता शब्द को भी हटा देंगे, समानता शब्द भी नहीं चर्चा पर चर्चा की गई है। भारत की पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य जो रखा गया था, विकास रखा गया, आत्मनिर्भरता रखा गया है, निष्पक्षता रखा गया। निष्पक्षता का मतलब होता है निष्पक्ष भाव से किसी सेवार्थी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करना। तो यहां ऑप्शन जो जाएगा आपका, ए आपका जाएगा, सी जाएगा और ई जाएगा। जिस ऑप्शन में ए सी ई मैच होगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ए सी ई ऑप्शन नंबर किस, अच्छा ऑप्शन नंबर ए में है, फर्स्ट, हाँ ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नीति, नीति का यहाँ पर बेसिकली सबसे पहला तो मेरा यही सवाल है, मैं इसके बारे में पढ़ाया भी हूँ। सिराज, सिराज क्लास में है? नहीं है। तो नीति का मुख्य, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या बन सकता है सबसे पहले ये, और उससे पहले आप बताइए इसका फुल फॉर्म नीति का। नीति का फुल फॉर्म नहीं बता रहे हैं आप लोग, बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी? नहीं, आपने सही नहीं बताया। ट्रांसफार्मिंग, हाँ ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया करके इसका नाम आता है, बहुत फेमस सवाल है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस सवाल को ध्यान में रखें। ठीक है, तो बेसिकली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भारत सरकार की वेबसाइट है एक, उस पे यहाँ पर जो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान को लेकर बातचीत किया गया है नीति आयोग में। नीति आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री जी को माना जाता है। इस योजना को अगर हम बात करते हैं बेसिकली नीति आयोग को लेकर, ये शुरुआत कब की गई? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। RPWD जो है लागू कब हुआ? RPWD लागू कब हुआ? लागू मैंने पूछा, 1 जून, 15 जून 2017। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आपको बता दूं, सन 1947 ईस्वी में औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र प्राप्त करने के बाद भारत के सामने एक गंभीर चुनौती थी, और यह भारत के विकास के सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार के शासन व्यवस्था को अपनाया जाए, वहां पर इस संबंध को या इस बेश को बनाते हुए नीति आयोग ने अपनी पृष्ठभूमि को तैयार किया था। ठीक है,
तो इसका नाम पूरा जो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार के द्वारा ये पारित हुआ और यहाँ बेसिकली नीति आयोग का जो उद्देश्य बनाया गया वो कहा गया कि देश में न्यूनतम सरकार के माध्यम से अधिकतम शासन को सुनिश्चित करना या उसको सक्षम बनाना। ठीक है, इसका प्रिंसिपल एक माना जाता है, सिद्धांत एक माना जाता है, वो है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, यानी अधिकतम शासन के लिए न्यूनतम सरकार का सिद्धांत इसको माना जाता है। तो पेपर में सवाल पूछा जाता है बताइए सिद्धांत कौन सा है, तो ध्यान से सुन लीजिए, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब इसके संबंध में अगर मैं बात करूंगा नीति आयोग के परिप्रेक्ष्य में, तो आप ध्यान रखिए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर इसका उद्देश्य बनाया गया, साथ ही साथ बनाया गया संघवादी सहयोग को बढ़ावा देने को लेकर भी बनाया गया, और उसके बाद नीति बनाने की प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर जो दृष्टिकोण था इसको भी यहाँ पर चर्चा परिचर्चा की गई थी। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है इस शब्द को भी, नीचे से ऊपर की ओर जो प्रक्रिया जो प्रोसेस जो पॉइंट ऑफ व्यू है दृष्टिकोण है उसको भी अपनाया गया है, और खतरों से सुरक्षा और बचाव को प्रदान करने के संबंध में ये गलत है, ये बेसिकली मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम का शब्द है, ऑप्शन पॉइंट नंबर डी। तो ए बी सी इज द राइट आंसर, बताइए कहाँ आपके ऑप्शन में दिखा गया है ए बी सी, ऑप्शन बताइए, ऑप्शन थर्ड नंबर इज द राइट आंसर होगा। यह भारत का एक प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक जो है थिंक टैंक के रूप में उभर कर सामने आया है, तो वह है नीति आयोग, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही तरीके से रिलेट हो रहा है। बात करेंगे अगला सवाल, अगले सवाल पे देखिए, आजकल प्रश्न इसी तरीके के बनाए जा रहे हैं भाई, इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। भारत में भारत के जो संविधान अनुच्छेद 19 है उनके अंतर्गत कुछ बातें कही गई हैं, जरा बताइए भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 में कौन कौन से यहाँ पर आर्टिकल शामिल किए गए हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 वाला सर, ए बी डी की तरफ आप सभी लोगों ने इसका जो है झुकाव किया है। 19 में बोलने की स्वतंत्रता है, प्रत्येक नागरिक को भाषण द्वारा लेखन मुद्रण चित्रण किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से किसी विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने का अधिकार प्रोवाइड कराया गया है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं भारत के संविधान 19 कहता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में मैंने एक ट्रिक बताया था, उस ट्रिक को भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, बोस संग आया गया बस बस व्यापार, मतलब वहां पे बसना कर लीजिए या तो व्यापार कर लीजिए, है ना। अब आप जानते हैं 19 में अगर हम बात करते हैं तो ए बी सी डी ई एफ है, यहां तक जी भी है। ठीक है, अब ए है तो आवाज से रिलेट करा लीजिए या तो बोलने से रिलेट करा लीजिए, ठीक है, बोलने की आजादी है या स्वतंत्रता है। सा से आप सभा को रिलेट करा दीजिए, सभा करने, हाँ सभा की आजादी है या सभा बनाने की। संघ से आप संघ बनाने की आजादी आप बता सकते हैं, संघ 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 बनाने की आजादी है। आया गया शब्द है, आया गया डी में आप रिलेट कराएंगे, आया गया का मतलब होता है पूरे देश में आने जाने की आजादी है। ई हाँ ई से बात करेंगे तो ई बस शब्द है, बसना के बजाय यहाँ पे हमने बस लिया है, ना शब्द को साइलेंट किया है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे ई आपको पूरे देश में बसने की आजादी है, यानी रहने की आजादी दी गई है इसमें। उसके बाद एफ आता है व्यापार, सॉरी एफ आता है संपत्ति, जो संपत्ति को हटा दिया है, संपत्ति हटा दी गई है। बात आती है जी, तो जी से आ जाता है आपका क्या, व्यापार, जी से आ जाता है व्यापार। तो ठीक है, व्यापार करने के लिए 19 के कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो बेसिकली यहां पर देखिए वाक या अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, यानी पहला पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कहता है कि एकत्र होने की, यानी सभा या संघ बनाने की, यानी आपका दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। मनोरंजन की स्वतंत्रता की बात करते हैं, देखिए जाहिर सी बात है, जब अगर मैं आपसे जिक्र करूं कि आपको आने जाने की भी स्वतंत्रता है, आप घूमने टहलने की भी स्वतंत्रता है आपके पास, तो आप ये बात कह सकते हो कि मनोरंजन की स्वतंत्रता होगी ही होगी भाई, जाहिर सी बात है, सिंपल भाई, लॉजिक लगा सकते हो आप यहाँ पे।
आवागमन की बात करते हैं तो आने जाने की भी स्वतंत्रता साफ शब्दों में है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ऑप्शन ऑल देखिएगा, जहां ए बी सी डी लिखा है वह ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। अगले सवाल की तरफ हम लोग रुख करेंगे। और अलग से प्रावधान तो नहीं है किसमें? हाँ सर, मनोरंजन तो नहीं लिखा ना? मनोरंजन शामिल नहीं है सर, अलग से इसमें नहीं। क्या नहीं है, क्या कर रहे हो? सवाल सही था मेरे हिसाब से। इसमें मनोरंजन की क्या है? भारत के संविधान अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? क्या आपको मनोरंजन करने की आजादी नहीं है? आप मनोरंजन नहीं करते हो, कौन रोकता है भाई आपको, बताओ जरा। सिंपल सी बात, देखो लिखा नहीं है ये बात सही है, लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आने जाने की आपके पास है कहीं आने जाने का, तो भाई अगर आप कहीं आ जा सकते हो तो क्या जरूरी है कि जाते जहां पे वहीं पे बसने के लिए जाते हो? मनोरंजन करने के लिए नहीं जाते हैं लोग, घूमने टहलने के लिए नहीं जाते हैं, पिकनिक वगैरह नहीं मनाते हैं लोग, ये क्या चीज है मनोरंजन? मनोरंजन तो यही, ये भी तो एक प्रकार का पार्ट है। अगर अनुच्छेद क्या, ऐसे क्यों समझते हो आप लोग, रट्टा मारने वाली चीजों पर जाते हो आप? सिंपल सी बात है, आप बताइए भारत का संविधान में मनोरंजन की स्वतंत्रता को रोका जाएगा? चार अक्षर में से वो नहीं है। हाँ, ये कहने का मतलब है सर? नहीं, इसमें ऑप्शन में कह रहे हो कि नहीं है? हाँ, ये कहने का मतलब। देखो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, सिंपल सी बात है, आप समझने का प्रयास करें। मनोरंजन की स्वतंत्रता आप सभी को पास है, आप सभी को खेलने की स्वतंत्रता है, और अगर ये मनोरंजन की स्वतंत्रता भी अगर मैंने बोला तो मनोरंजन की स्वतंत्रता कहाँ पर है? तो ये जाहिर सी बात है, जब बोलने, सभा संघ बनाने, आना जाना, इधर उधर बसना, ये सब की स्वतंत्रता अगर हो सकती है 19 में, तो मनोरंजन की स्वतंत्रता भी 19 में ही होगी, उसी के ही अंतर्गत ये माना जाएगा। चीज बताइए, अगर मेरा मनोरंजन वो हो रहा है, भंग हो रहा है, तो मैं जाके न्यायालय में उसको अपील कर सकती हूँ सर? आपका मनोरंजन भंग हो गया है, आप न्यायालय में? मतलब कैसे कैसे सवाल कर रहे हो? अच्छा कौन बन, ये देखो ये ऐसे आप देखो उस तरीके की नहीं देखो। एक तो ये अलग है, डीपीएसपी मौलिक अधिकार वो अलग हैं आपके, कि भाई वो न्यायोचित है और एक न्यायोचित नहीं है, ये बात अलग है। बट यहाँ देखिए, अगर आपके मनोरंजन अगर भंग कोई कर रहा है तो जा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आपका मनोरंजन भंग कर रहा है, जैसे बाई दबे मान लीजिए कोई प्लेस है, जगह है खेलने की, जो है वहां पर आपको रोका जा रहा है, वो गवर्नमेंट की जगह है, तो अपने अधिकार, भाई आपका अधिकार है, आपको आपको मतलब वो हिटलर वाला वो काम कर रहा है, तो आप प्रशासन के पास जाइए, प्रशासन आपको करेगा भाई आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही है ना, प्रशासन करेगा, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग यहाँ पे, है ना? तो ये चीज़ें हैं, कर सकते हो, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़िए, है ना? ये कोई सवाल नहीं था मैम, है ना? ठीक है, चलिए बात करते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों के लिए कौन सा कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, बताइए। बड़ा आसान सा सवाल लिखो, कॉन्स्टिट्यूशन से है ये, जो यूनिट नंबर 8 है उससे संबंधित सारे के सारे सवाल आ रहे हैं इस समय हमारे सामने। भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों के लिए कौन से कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो सही जवाब होगा एक वैज्ञानिक सोच का विकास करो। बिल्कुल बात सत्य है यहाँ पे कि आप वैज्ञानिक सोच का विकास होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं हमारी मिश्रित संस्कृति को समृद्ध विरासत का संरक्षण करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो आमदनी की असमानताओं को बरकरार, ये देखो आमदनी की असमानता को बरकरार रखोगे, गलत, काट दीजिए, है ना? बी को रखिए, काट दीजिए। देश की सुरक्षा करोगे, बिल्कुल करेंगे। ए बी डी ऑप्शन आपका कौन सा बताइए? ए बी डी, डी वाला ऑप्शन है, फोर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा यहाँ पर। बड़ा आसान सवाल था मैडम, समझ में आ गया, बता दीजिए एक बार। जी सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेंगे हम लोग। और अगला सवाल हमारे सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार सवाल, और IMP करिएगा इस सवाल को, ठीक है? 13 दिसंबर 2023 के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन संघ सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की नियुक्ति करती है? बहुत ही अच्छा सा सवाल, और इसको आप ध्यान से, 338, ओके,
देखो 338 तो किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध बताने की बात किया गया है, उसमें विधानमंडल की शक्तियां वगैरह आती है। 338 नहीं है, ठीक है, 338 नहीं है। 338 में क्या है, नोट करना है तो नोट आप कर सकते हो। नहीं नहीं 338 तो अनुसूचित जनजाति आयोग है ना, हाँ नोट करिए, राष्ट्रीय, मैं नोट कर देता हूं आप लोगों के लिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जाति आयोग है ये 338 है। 136 क्या है, 136 बेसिकली अपील के उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाजत, इजाजत। और 328 किसी राज्य के विधानमंडल, ये होगा किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध, उपबंध करने की विधानमंडल शक्तियां, विधान मंडल की शक्ति, ठीक है ये कर लीजिए। और बचा आपका 319, ये आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य ना रहने पर पद, ना रहने पर पद धारण करने, पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध है, प्रतिषेध है। अब सवाल हमारे सामने क्या था कि अधीन जो है संघ सरकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की नियुक्ति है ना, तो इसके संबंध में अगर हम बात करते हैं तो सही कह रहे थे आप, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी 338 सही कह रहे हैं। सर 338 वाला पिछला वर्ग को रिलेट नहीं करता क्या? कौन सा पिछला वर्ग रिलेट सर? 338 नहीं, नहीं 338 नहीं, पिछड़ा वर्ग अनुच्छेद जो बता रहे हैं आप लोग ना वो आपका 338 नहीं होगा, ठीक है। पिछड़ा अगर हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग जी, वो वाला 228 है क्या, पिछड़ा वर्ग वाला, पिछड़ा वर्ग देखिए ये आर्टिकल्स जो आपका आएगा 338 का बी आएगा, 338 का बी आएगा, एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कमीशन आयोग, ठीक है उनके कर्तव्य और शक्तियों के संबंध में बात करता है, ठीक है ना, क्लियर रहेगा जी सर। हाँ इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और भारत के राष्ट्रपति को किसी विशेष जाति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में अगर अधिसूचित करते हैं और उस करने की उनकी पास शक्तियां हैं, किसी सामाजिक और शैक्षिक से पिछड़े वर्ग अगर कोई है तो, समाज से और शिक्षा से पिछड़ा वर्ग अगर कोई है तो राष्ट्रपति वहां पर लागू होता है, तो वो 342 ए यहाँ पर लिख दूं मैं ताकि आप जब पढ़ें पीडीएफ तो आपको इजीली पता चल जाए। राष्ट्रपति की विशेष जाति को बताया इन्होंने और उसमें कहा है सामाजिक प्लस शैक्षिक, सामाजिक प्लस मतलब ये समझे नहीं, नहीं समझे आप, नहीं ये जो बता रहे हैं ठीक, मैं बस समझाता हूँ, मैं बताता हूँ बेसिकली ये सर ये है ना, भारत के राष्ट्रपति की पास एक विशेष जाति को सामाजिक और शिक्षा से संबंधित तो पिछड़े रूप में है, उसका जो है एक जाति ऐसी है कोई, ठीक है, जहां वो समाज के क्षेत्र से भी पीछे है और शिक्षा के क्षेत्र में भी पीछे है, ठीक है, तो वो पिछड़ा वर्ग है।
और उसके रूप में अधिसूचित करने की शक्ति और सूची बदलने के लिए संसद की शक्ति से संबंधित रहेगा तो वह अनुच्छेद 342A होगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि आप यहां पे सर कीवर्ड नोट कर लीजिए, सिंपल सी बात है, नोट करिएगा राष्ट्रपति, ठीक है, के पास शक्ति, राष्ट्रपति के पास शक्ति है जो पिछड़ा वर्ग, समाज और शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है उसको बदलने की जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है, है ना, उसको सूची बदलने की जो पावर है राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर रहेगा, बता दीजिए। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो चला जाएगा केवल केवल बी चला जाएगा। मैडम आपने सही जवाब दिया था, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी सही है क्योंकि बी में दिया गया। आगे बात करते हैं, शायद ये सवाल अच्छा होगा। संव्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी के रूप में नोट करेंगे, मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट, यहां डी ट्रिपल एस बी के बच्चे भी, ईएसआईसी के और मेडिकल सोशल वर्क यानी उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के बच्चे भी, आईएमपी सवाल है, इसको नोट करिएगा। संव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत के संदर्भ में अहम स्थितियों को सम्मिलित करेगा, बताइए कौन सी चीजें इसके अंतर्गत आती है। ए बी डी ओके, चलिए अब बात करते हैं, ध्यान सुनिए। एक किताब आई थी, उस किताब की बात अगर हम करते हैं सन 1970 में, और वो जो 1970 में बुक आई एरिक बर्न की थी, एरिक बर्न की थी, एरिक बर्न महोदय ने लेन देन मनोविश्लेषण के बारे में बात किया, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में जिक्र किया। एरिक बर्न की कॉन्सेप्ट जो था वो मौखिक संचार को लेकर चर्चा पर चर्चा कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि मौखिक संचार जो है विशेष रूप से आमने सामने मानव सामाजिक संबंधों और मनोविश्लेषण जैसी बातों पर वो आधारित होगा। तो कहने का भाव ये था कि एरिक बर्न ने जब लेन देन विश्लेषण का सिद्धांत दिया तो उनमें कुछ लोगों को उन्होंने केंद्र में रखा, और वो जो केंद्र में रखा वो थे पेरेंट, मतलब माता पिता, और एक थे चाइल्ड जिसको कहा गया बालक, और एक था एडल्ट जिसको कहा गया वयस्क। तो आप बालक को रख सकते हैं, माता पिता को भी रख सकते हैं, वयस्क को भी रख सकते हैं, भाई बहन को आप हटा दीजिए, ऑप्शन में आप देख सकते हैं ए बी सी केवल है, और ए बी सी यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला करेगा, फर्स्ट सही है। ठीक है, तो ए सी ए सॉरी पी सी ए, पी सी ए, ठीक है, पी सी ए आप यहां पे करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, या कई बार रिपीट हुआ है, एक बार नहीं कई बार रिपीट हुआ है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 115, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधीन समस्त क्रियाकलापों का मार्ग निर्देशन करने वाली केंद्रीय मूल्य कौन सा है। आपको बता दूं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ये स्टार्ट हुआ सन 2011 में, कब 2011 में, ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना था, और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी को दूर करना इनका बेसिकली मोटो रखा गया था। तो इस संबंध में अगर हम बात करें कि निर्धन व्यक्तियों को समावेशन और सभी प्रक्रियाओं में उनकी सार्थक भूमिका हो सकती है क्या इस मिशन के अंतर्गत, यस, सभी प्रक्रियाओं और संस्थानों में पारदर्शिता, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, मैंने पहले भी इसके बारे में जब आपको सीआरए पढ़ा रहा था, सीआरए सॉरी क्या था वो, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या था वो, सीएसआर, सीएसआर बिल्कुल सही।